हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें सेक्शनल टाइम है, 20 मिनट्स आपको क्वांट के लिए मिलेंगे। आज क्वांट का ही डिस्कस करेंगे अपने कि इन 20 मिनट्स का ऑप्टिमम यूज कैसे करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर एटलीस्ट 25 प्लस आप अटेम्प्ट करके आ सके और विद 100% एक्यूरेसी। तो आज का जो सेशन है उसी में इसी को डिस्कस करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब इसमें इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने पीछे जाके एसबीआई क्लर्क प्री 2018 का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या पूछा गया। 10 स्लॉट में एग्जाम हुआ, 3 दिन हुआ, एक दिन 4 स्लॉट थे, दूसरे दिन 4 थे, आखिरी दिन जो था उस दिन 2 स्लॉट थे, टोटल 10 स्लॉट्स में एग्जाम हुआ। तो उन 10 स्लॉट में क्या पूछा गया और इन जनरल आईबीपीएस वही चीजें फॉलो करती है जो एसबीआई में पूछी गई है, मोर और लेस उसी के आसपास। तो आपको इसमें भी उम्मीद अपने करते हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे आता रहता है। तो इसमें अगर अपने सभी स्लॉट्स का देखें तो डीआई है, डीआई के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ एक स्लॉट ऐसा था जिसमें आपको एक कैसलेट भी पूछी गई। कैसलेट के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए, ओनली इन वन स्लॉट। बाकी सभी में डीआई का एक सेट है, 5 क्वेश्चन है। किसी में आपका टेबुलर डीआई आ गया, किसी में आपका पाई चार्ट आ गया, किसी में लाइन ग्राफ आ गया, किसी में बार ग्राफ आ गया, और सभी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, डुएबल क्वेश्चंस थे। एक दो में आपका टेबुलर आया बट वो मिसिंग आया, बट वो मिसिंग का लेवल ऐसा नहीं था कि कोई मिसिंग टाइप लगे वो आपको। तो डीआई आप यही मान के चलें कि 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि कैसलेट सिर्फ एक में मिला जिसमें 10 क्वेश्चन आए, बाकी सभी नो जो स्लॉट थे उनमें 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। देन एक जो रेगुलर क्वेश्चन आया वो आया नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए, सिर्फ एक स्लॉट ऐसा था, वन स्लॉट मिसिंग था इसमें, जिसमें ये नंबर सीरीज नहीं पूछी गई और इसमें कुछ में रॉन्ग पूछी गई और कुछ में मिसिंग। एक स्लॉट ऐसा था जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं आए, बाकी सभी में 5 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा में मिसिंग थे, कम में रोंग नंबर पूछे गए। देन आपका जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, अगर इनको आप देखें इन तीनों को मिला के, क्योंकि क्वाड्रेटिक सिर्फ आई थिंक 2 स्लॉट में ही पूछा गया, बाकी क्वाड्रेटिक नहीं आया। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्या सभी में आया, और कुछ में ऐसा था जिसमें अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन आया, किसी में सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक आया। लेकिन अगर इन तीनों को आप मिला दें तो 50% स्लॉट ऐसे थे, 50% स्लॉट तो ऐसे थे जिनमें इन तीनों से मिला के पूछे गए 10 क्वेश्चन, और 50% आधे स्लॉट ऐसे थे जिनमें पूछे गए 15 क्वेश्चन इन तीनों से मिला के, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक, और सभी बहुत सिंपल आए। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक सभी के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, और आधे ऐसे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन थे, आधों में 15, एक तो में जैसे 12 भी थे, किसी में 13 भी थे, बट मोटा मोटा आप पकड़ो तो 10 और 15 ज्यादा। देन आप देखें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इसके क्वेश्चन आए आपके, ज्यादातर में नहीं आए, सिर्फ 20% स्लॉट में 5 क्वेश्चन है, 20% स्लॉट में ही, मतलब 2 स्लॉट में ये पूछा गया, और उसमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन में एक क्वांटिटी गिवन थी, एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी थी। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, करने लायक क्वेश्चन थे, मिसलेनियस से सीधे थे, क्योंकि एक क्वांटिटी आपको गिवन थी, एक ही निकालनी थी, और लेवल मिसलेनियस क्वेश्चन से भी नीचा था। देन डाटा सफिशियंसी के भी क्वेश्चन आए, और डाटा सफिशियंसी के भी सब स्लॉट में नहीं आए, कुछ स्लॉट में आए उनमें 5 क्वेश्चन आए, और ये 50% स्लॉट्स में आए, आधे स्लॉट्स में, 5 स्लॉट में ये डाटा सफिशियंसी के 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आपके डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन थोड़े बहुत भी किए हुए हैं
और मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको पेन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, करने लायक थे। देन लास्ट में आपके बचा मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, तो ये आपके 5 से लेके 13 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा से ज्यादा 13 भी थे, कम से कम 5 थे, लेकिन अगर आप एज ए होल ज्यादा इसमें आप देखें तो 60% स्लॉट्स में ये 10 क्वेश्चन आए और करीब करीब बाकी आप 13 एक में था उसको आप छोड़ दें तो 40% स्लॉट में आप मान सकते हैं ये आए 5 क्वेश्चन। तो ये आया आपका एसबीआई क्लर्क प्री 2018 में 10 के 10 स्लॉट अगर अपने पूरा इसका कंक्लूजन निकाले तो ये इसकी पोजीशन रही। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर अपने एक्सपेक्ट करें इसमें आपके एसबीआई क्लर्क प्री 2018 के एग्जाम में, तो अपने ये मान सकते हैं कि एक डीआई अपने को जरूर मिलेगी, डीआई का एक सेट 5 क्वेश्चन डीआई के मिलेंगे और ये मॉडरेट लेवल की डीआई जा रही है, डूएबल करने लायक है। अगर सबसे पहले आपके यही खुल गया तो आप इसको कर लीजिए, हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन मुश्किल हो, लंबा लगे, छोड़ दीजिए उसको, उसके चिपके मत, 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, बट इसको कीजिए। अगर पहले यही क्वेश्चन खुल रहा है तो आप इसको आगे मत बढ़ाइए, आप इसको कर डालिए। देन सिंपल नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आप उम्मीद कीजिए, आइदर नंबर सीरीज आपकी रॉन्ग भी हो सकती है और मिसिंग भी हो सकती है, किसी स्लॉट में मिसिंग मिलेगी किसी में रॉन्ग, ये तो भाई चांस की बात है, और किसी भी स्लॉट में एक आध क्वेश्चन को छोड़ दे तो सभी करने लायक थे। एटलीस्ट फोर ऐसे क्वेश्चन थे जो आप आराम से कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज का भी अगर खुला है आपके तो उसको सल्टा लो पहले। देन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, अगर आपको क्वाड्रेटिक मिल गई तो आपके लिए एज है, क्योंकि वो तो बहुत ही सिंपल आ रही है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी लेंदी, एक भी क्वेश्चन इस साल नहीं आया है, रेयर आप 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दो सभी एग्जाम्स को मिला के भी, तो सब करने लायक क्वेश्चन थे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप की है तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इसमें आप पे कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां तक आते आते आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन हो गए, अगर यहां 25 हो गए तो आपका कोटा करीब करीब पूरा हो गया। 1-2 क्वेश्चन का अगर आपको बचा आपके पास टाइम तो फिर आप आगे चलिए, क्वांटिटी कंपैरिजन अगर आया है तो उसको सल्टा लीजिए, डाटा सफिशियंसी आया है उसको सल्टा लीजिए, और या फिर मिसलेनियस पे लास्ट में आपको जाना, क्योंकि क्वांटिटी कंपैरिजन और मिसलेनियस ये सॉरी डाटा सफिशियंसी ये भी क्वांटिटी कंपैरिजन या डाटा सफिशियंसी में जो भी आया है, अब इसके आपको 5 क्वेश्चन 0 से 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आधे स्लॉट में जरूर मिलेंगे, इन दोनों में से एक से 5 क्वेश्चन में मिलते हैं तो मैं कहूंगा इस पूरे के बाद में आप इनको कीजिए, क्योंकि इस साल जितने भी क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन आए उसमें एक क्वांटिटी आपको गिवन है, एक आपको फाइंड करनी है, तो उसमें कोई एडिशनल टाइम नहीं लग रहा। हाँ, दोनों क्वांटिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो देन आप इसको अवॉइड कीजिए, इस पर मत जाइए। और अगर डाटा सफिशियंसी भी है तो अगर किसी टॉपिक की आपका क्लियर नहीं है वो पर्टिकुलर, जैसे जिसपे भी टाइम एंड वर्क पे बना है, टाइम एंड डिस्टेंस पे बना है आपका, ये कोई भी दूसरा जैसे पार्टनरशिप पे बना है और उस परसेंटेज पे बना है और आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको मत पढ़िए। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर क्वांटिटी कंपैरिजन हो, डाटा सफिशिएंसी हो या मिसलेनियस हो, क्वेश्चन अगर लंबा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। लास्ट में जैसे मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है वो अपने 5 से 10 क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट करें, बट यहां तक के मुझे नहीं लगता आपको जाने की जरूरत पड़ेगी क्या। जैसे आपको यहीं तक अगर क्वांटिटी कंपैरिजन या डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे गए और आपके कॉन्सेप्ट पार्ट थोड़ा सा भी क्लियर है ना, तो आपको मिसलेनियस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर यहाँ आपको डीआई में 1-2 क्वेश्चन मुश्किल मिल गए, नंबर सीरीज में 1-2 क्वेश्चन मुश्किल मिल गए और अनफॉर्चुनेटली कोई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में भी आपको लेंदी लग रहा है, यहां से आप 3-4 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो ऑब्वियस आपको फिर मिसलेनियस में आना पड़ेगा। मिसलेनियस में एक चीज आप ये देखिए कि जिसका एक तो थ्योरी पार्ट छोटा है वो देखिए, प्लस वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक का। अगर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो उसको पढ़ने में ही आपको 40 सेकंड या 40 में से 20 सेकंड निकल जाएंगे, 20 में सॉल्व होना बड़ा टफ हो जाएगा। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, और आपको पता है कि ये टॉपिक पे मेरा कंट्रोल है, क्योंकि क्लर्क प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको आता नहीं, कम टाइम में आप क्या करें। तो इसके लिए अपने
जो इनमें से पहले खुल जाए, जो ऊपर वाले जो है डीआई नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक, ये तो अपने को करना ही करना है। हाँ, इसमें अगर कोई जैसे नंबर सीरीज में कोई ऐसा आपको पैटर्न दिखा कि भाई मेरे पकड़ में नहीं आ रहा, आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसकी चिपकिए मत। बाकी डीआई में अगर एक आध कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेंदी है तो आप उसको छोड़ दीजिए। देन क्वांटिटी कंपेरिजन या डाटा सफिशियंसी में, जब क्वांटिटी कंपेरिजन में से एक क्वांटिटी आपको दी हुई होगी तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, फिर डाटा सफिशियंसी उससे भी छोटा है। इस साल जितने भी डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन आए हैं बहुत सिंपल आए, क्वांटिटी कंपेरिजन भी सिंपल आई है, और देन लास्ट में गो फॉर मिसमैच। इस तरीके से करके आप 26-27 क्वेश्चन तक भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स रेगुलर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस।